हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एट ईज। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड द चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। तो हमारे साइंटिस्ट थे, दैट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 के अंदर इन्होंने कंडक्ट किए थे एक्सपेरिमेंट्स एक बैक्टीरिया के साथ, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए बैक्टीरिया है, ये आपका निमोनिया कॉज करता है। तो ग्रिफिथ जी ने इस पर काम किया था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बैक्टीरिया है, इसके दो स्ट्रेन्स लिए। एक ऐसा स्ट्रेन जो आपका स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज बनाता है, एंड उसको आप एस टाइप बोलते हो, और एक ऐसा स्ट्रेन लिया जो रफ कॉलोनीज बनाता है इनकी, और उसको आप आर टाइप बोलते हो। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किए टू स्ट्रेन्स, जिसमें एक क्या बनाता है, वन इज फॉर्मिंग स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, एंड इसे बोला गया एस टाइप, एंड दिस इज वायरुलेंट इन नेचर। जो स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज बना रहा है, मींस ये वायरुलेंट है, मींस पैथोजेनिक है, ये हार्म कर सकता है, ये निमोनिया कॉज करता है। एंड इसका एक और चीज ध्यान रखना कि जो दो स्ट्रेन थे जिसमें जो स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज बन रही थी, ये विद कैप्स्यूल था। सिमिलरली नेक्स्ट आपका जो स्ट्रेन था, उसने जो कॉलोनीज बनाई, दैट इज रफ कॉलोनीज, जिसे आप आर टाइप बोलते हो, एंड दिस इज विदाउट कैप्स्यूल। अब बच्चे ध्यान से देखना, जब ग्रिफिथ ने काम किया, तो काम करने के लिए इन्होंने ये बैक्टीरिया तो ले लिया, साथ में इन्होंने माइस लिया चेक करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को, हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए इन्होंने माइस को लिया। तो इन्होंने क्या लिया, सबसे पहले वायरुलेंट एस सेल्स लिए। कौन से सेल्स? वायरुलेंट एस सेल्स लिए, मीन्स ये वाला स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज वाला एस टाइप वाला वायरुलेंट लिया, ठीक है। ये वायरुलेंट है बिकॉज ये स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी बनाता है, एंड इसको इसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है। तो इसको रिजल्ट क्या मिला, दिस इज वायरुलेंट इन नेचर, सो इट विल कॉज निमोनिया। तो फाइनली ये जो माइस था, ये क्या हो गया, डेड हो गया, मर गया ये माइस, ठीक है। नेक्स्ट केस इन्होंने क्या देखा, इन्होंने नॉन वायरुलेंट वाला लिया। नॉन वायरुलेंट कौन से वाले, आर सेल्स लिए, जो रफ कॉलोनीज बनाते हैं, मींस जो विदाउट कैप्स्यूल है। तो जब इन्होंने इसको माइस में इंजेक्ट किया, तो ये माइस जिंदा रह गया, ये सरवाइव कर गया माइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस सेल्स, मींस जो आपके वायरुलेंट वाले एस सेल्स थे, उनको हीट किल्ड कर दिया। अब हीट किल्ड कर दिया तो ऑब्वियस है, जो वायरुलेंट वाला नेचर है वो तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो हीट किल्ड हो गया है। तो जब इन्होंने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो ये माइस सरवाइव कर गया, तो ये माइस जिंदा है यहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखो, इन्होंने क्या लिया, नेक्स्ट केस में ध्यान से देखना, हीट किल्ड एस सेल्स प्लस लाइव आर सेल्स। हीट किल्ड एस सेल्स लिए और लाइव क्या लिए, आर सेल्स लिए। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, हीट किल्ड एस सेल लिया, लाइव आर लिया। देखो, जब आप हीट किल्ड एस सेल ले रहे थे तो माइस लाइव था, मतलब सरवाइव कर रहा था, लेकिन जब आप आर सेल ले रहे थे तब भी माइस क्या कर रहा था, लाइव था, सरवाइव कर रहा था। तो जब ये दोनों लेते हो तो क्या होना चाहिए, माइस को तो जिंदा रहना चाहिए, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, जब आपने माइस के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया, तो ये माइस मर गया, डाइड।
ठीक है, तो ऐसा क्यों? ये तो कोई हजम नहीं हो रही बात, क्योंकि आपने हीट किल्ड एस सेल लिया विच इज नॉन वायरुलेंट नाउ एंड लाइव आर सेल भी नॉन वायरुलेंट है, तो ये माइस मर कैसे गया? तो यहां पर क्या देखा गया, हमारे ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि जो हीट किल्ड एस टाइप वाला बैक्टीरिया है, हीट किल्ड एस टाइप वाला बैक्टीरिया, इसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है किसकी, आर टाइप बैक्टीरिया की, और ट्रांसफॉर्मेशन किस में कर दी है, एस टाइप में कर दी है। बट ये यहां पर इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं बता पाया कि एक्चुअल में ये ट्रांसफॉर्मेशन का कॉज क्या है, कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो ये बात पहले लिख लेते हैं, ही कंक्लूडेड, ध्यान से ये लाइन लिखना, दैट हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया कॉज्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप बैक्टीरिया इंटू किसके अंदर, एस टाइप में, इंटू एस टाइप। बट यहां पर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉज क्या है। फर्दर इसने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली, फर्दर इसने ये स्टेट किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द हीट किल्ड एस टाइप से, एस स्ट्रेन से, जिसने आर स्ट्रेन वाले को मजबूर कर दिया या उसे बना दिया कि वो स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज प्रोड्यूस करने लग जाए और वायरुलेंट बन गया। मतलब कहने का है कि एस स्ट्रेन में से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ ऐसा गया जिसने आर स्ट्रेन को सिंथेसाइज करवा दिया, मतलब वो सिंथेसाइज करने लगा आर स्ट्रेन स्मूथ और शाइनी कॉलोनी, लाइक जो वो आपका हम बोल सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बनाने लगा, जिसकी वजह से वो वायरुलेंट नेचर का हो गया। और अगर वायरुलेंट हो गया तो वहां पे ऑब्वियस है माइस आपका क्या होएगा, मर जाएगा, है ना। लेकिन इस टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यहां पर ट्रांसफर हुआ था उसका कोई बायोकेमिकल नेचर के बारे में नहीं पता चल पाया, ये नहीं डिफाइन हो पाया इस एक्सपेरिमेंट से कि इस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो उस चीज को डिस्कस करने के लिए कि बाद में जब और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की और फर्दर उन्होंने प्रूफ भी दिए कि एक्चुअल में बायोकेमिकल नेचर क्या है एंड हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो हमें सिर्फ इतनी बात पता चली दैट देयर इज समथिंग जो ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई और उसने उसको कंप्लीटली बदल दिया। तो क्या ट्रांसफर हुआ उसका हमें कोई आइडिया नहीं था, उसका इस साइंटिस्ट को भी कोई आइडिया नहीं था, तो वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समझ आया होगा। समझ आया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज के ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइमली, और आप इससे अच्छे से अपनी स्टडी करो। नीट के लिए और सीबीएसई के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।